हेलो टू ऑल क्रिकेट व्यूअर्स, मुल्तान टेस्ट डे टू ऑन गोइंग और डे वन का एनालिसिस का कुछ टाइम अभी मिला तो व्यूअर्स को पता चलूँ कि डे वन में मैच इज इवनली पॉइज्ड एंड द स्टार परफॉर्मर वाज इब्रार अहमद, लेग स्पिनर ऑफ पाकिस्तान, हु टुक 7 विकेट्स इन डेब्यू. व्हाट अ ड्रीम डेब्यू इट वाज. और उसमें बड़ी विकेटें बेन स्टोक्स की, क्रॉले की भी शामिल हैं. बहुत अच्छी बॉलिंग की टाइम पे. ऐसा लग रहा था कि माइट बी इब्रार थे 10 की 10 विकेटें ले लेंगे. इब्रार के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि स्टार्टेड कैरियर 2016 में PSL जो हमारा होता है उसमें स्टार्ट किया फ्रॉम कराची किंग्स. बीच में पेशावर सलमी मूव हुए और बहुत चांस था कि इनको पिक किया जाएगा. बहुत ज़्यादा एक्सेटर्स ने भी उनकी तारीफ़ की कि ही शुड बी द पार्ट ऑफ टीम. लेटेस्टली हफीज़ ने जब फर्स्ट टेस्ट में इनको ड्रॉप किया गया तो कहा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. पिच थोड़ा सा शुक्र है अच्छा बनाया एज़ कम्पेयर टू रावलपिंडी टेस्ट. 281 पे ऑल आउट किया इंग्लैंड को हमने. पाकिस्तान का डे वन खत्म हुआ तो 107 पे दो आउट थे. इवनली पॉइस्ट मैच. बाबर आजम क्रीज पे मौजूद थे जिनकी सुबह विकेट गिरी है. और आई प्रेडिक्टेड के पाकिस्तान अगर 350 से 380 करता है और लीड तकरीबन अब पाकिस्तान ले लेता है 100 से 120 की तो इस विकेट पर बड़ी क्रूशल होगी क्योंकि टर्फ जो है ये कोई इतना हल्का नहीं है. और इब्रार की जिस तरह लेग स्पिन है साथ जाहिद की भी थोड़ी सपोर्ट मिली लास्ट में तो पिच विल प्ले इस पार्ट. इसमें यही होता है कि पाकिस्तान 200-300 की लीड हो जाए. जिस तरह लोग कह रहे हैं कि लीड पाकिस्तान बहुत लंबी ले सकता है तो आई वॉन्ट एग्री विद दैट. अगर पाकिस्तान को 100 से 120 की लीड भी मिल जाती तो आई बिलीव कि दैट वुड बी एनफ फॉर पाकिस्तान. और कंसिडरिंग पाकिस्तान की जो बैटिंग है, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, तो दैट विल बी एम्पल. तो लेट्स सी, टाइम विल टेल कि पाकिस्तान कितना इसको आगे फर्दर लेके जाता है और पाकिस्तान कितना इसको लेके चलता है. रिजवान इस टाइम क्रीज पे मौजूद है अलॉन्ग विद सऊद शकील. जितना पाकिस्तान लंबा खींचेगा उतनी पाकिस्तान की बारी लंबी होगी और चांसेस देर के पाकिस्तान कुछ लीड हासिल करेगा. और लीड हासिल करनी चाहिए क्योंकि डोमिनेंट पाकिस्तान ज़रूर है. डे एंड पे लोग कह रहे हैं इंग्लैंड स्टिल 170 हेड फेवरेट्स है, लेकिन मैं कहूँगा इवनली पॉइज्ड है. इतना ज़्यादा 170 रन नहीं होगा जब आपके 8 विकेटें हाथ पे हों. तो लेट्स सी कि अभी आज पहला सेशन शुरू होगा तो बाबर विकेट ऑलरेडी खो चुके हैं 75 रन से और रिजवान ने साथ देना है सऊद शकील का, जो कि सऊद शकील भी काफ़ी तेज़ खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. तो उम्मीद है कि पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा. टाइम विल टेल कितना बड़ा करेगा, स्कोर कितना होता है. आपके साथ वीडियोज़ आती रहेंगे इंशाल्लाह. पैनल डिस्कशन भी चलता रहेगा. वीकेंड है, काफ़ी ज़्यादा वीडियो एक्सपेक्ट आप लोग करेंगे मेरे से. तो इंशाल्लाह ताला टिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.